महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के अधिवेशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने की हैट्रिक लगाई है, महाराष्ट्र में भी जीत की हैट्रिक होनी चाहिए। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता बाहर निकले, इस बार भी महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। उत्तराखंड में यूसीसी लाया जाएगा, देश अब यूसीसी का इंतजार कर रहा है। वहीं इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर भी भड़ास निकाली। लोकसभा चुनाव में हार के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के झूठे प्रचार को वजह बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव में विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करेगी और फिर से महायुति से सरकार बनेगी। भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर दे, हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है, आपके झूठ नहीं चलेंगे, मैं बता कर जाता हूँ। एनसीपी एससीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने अमित शाह के आरोपों का करारा जवाब दिया। सूले ने कहा कि गृह मंत्री आज जिस शख्स पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं उन्हें इसी मोदी सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। वो 12 के 12 नेता जिन पर भाजपा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था वो सभी आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी सुप्रिया सूले ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीमा मलिक ने कहा कि शरद पवार को लोग भारतीय राजनीति का पितामह मानते हैं। शरद पवार का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान करते हैं। सीमा मलिक ने कहा कि बहुत दुख का विषय है कि गुरु पूर्णिमा के दिन अमित शाह ने शरद पवार पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। अगर हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, माननीय शरद पवार जी जो एक भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह मानते हैं जिनको लोग और जिनके वो बहुत सम्मान करते हैं, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति और मेरे ख्याल से हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी बहुत सम्मान करते हैं और अपना गुरु मानते हैं वो भी शरद पवार जी को, उनके बारे में आज के दिन, इनफैक्ट मुझे तो सबसे बड़ी बात यही लग रही कि आज के दिन अगर आप ऐसी बात करते हैं, उनको आप भ्रष्टाचारी बताते हैं, तो ये तो मतलब कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी टॉलरेट करेगा। एंड दिस इज वेरी समथिंग जिसको कि हम लोग के लिए बहुत दुख का विषय है, मैं कहूँगी बल्कि।